Hello everyone, today in this video of chapter number 5, we are going to study about linkage and recombination. Already in the last video, we have seen that Morgan ने Drosophila melanogaster क्यों select किया अपने experiment के लिए. तो उसके हिसाब से हमें आज Morgan के experiment देखना चाहिए था. लेकिन उसके experiment को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये linkage and recombination ये जो दो term है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. तो आज हम वही करेंगे कि आज linkage and recombination के term को समझेंगे and उसका जो experiment है उसको हम समझेंगे in a next video. And please do not miss both this video because this is very very important concept जो तुम्हें exam में बार बार आता है. देखो linkage क्या होता है. So linkage is the phenomenon of certain genes staying together. अब क्या बोल रहा है कि linkage एक ऐसा phenomenon है जहाँ पे certain genes जो है मतलब कि जो particular genes है वो हमेशा साथ रहती हैं. ओके कब तो ड्यूरिंग इनहेरिटेंस टू जनरेशंस विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन. तो ये जो जीन्स है जब इनहेरिट हो रही है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन तभी भी ये जीन्स साथ में रहेंगी बिना किसी चेंज या सेपरेट हुए. ओके मतलब कि अगर ये वाला अगर कंसीडर करें तो इसके दोनों जीन्स देखो कैसे साथ में हैं. तो ये दोनों जीन्स जो है वो सेपरेट नहीं होंगे एंड एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट हो जाएंगे बिना इसमें कोई चेंज आए या बिना ये जीन वन और जीन टू सेपरेट हुए. अब नेक्स्ट क्या बोला है कि ऐसे क्यों होगा. तो इट इज़ जस्ट बिकॉज कि दोनों जीन जो है या जो भी पर्टिकुलर जीन है दे आर प्रेजेंट ऑन दी सेम क्रोमोसोम. ये जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने की वजह से एक साथ ट्रांसमिट हो जाती है बिना किसी चेंज या सेपरेट हुए. अब ये जो जीन्स जो है वो भी दो टाइप की होती हैं, एक है लिंक जीन्स एंड एक है अनलिंक जीन्स. अभी लिंक जीन्स का मतलब क्या होता है कि द जीन्स विच ऑकर इन द सेम क्रोमोसोम एंड अनलिंक का मतलब क्या होता है कि दूसरा प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम और यू कैन से दैट दे आर प्रेजेंट ऑन अ सेम क्रोमोसोम आल्सो. फाइन बट देखो कैसे. तो लिंक जीन्स अभी ये डायग्राम के हेल्प से हम देखते हैं कि लिंक जीन्स और अनलिंक जीन्स कैसे होते हैं. तो लिंक जीन्स में यू कैन सी कि ये एक अपना क्रोमोसोम है जहाँ पे ये जो जीन वन एंड जीन टू जो है वो बहुत क्लोजली एक साथ है राइट एंड वो भी सेम क्रोमोसोम पे नज़दीक है एकदम. तो ये बात भी याद रखना कि लिंक जीन्स जो होते हैं वो जीन्स बहुत क्लोजली या फिर यू कैन से बहुत नज़दीक रहते हैं. जब हम अनलिंक जीन्स की बात करते हैं उसे हम नॉट लिंक भी बोल सकते हैं. तो यू कैन सी कि ये दो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है. तो जीन वन ये वाले क्रोमोसोम पे है तो जीन टू ये वाले क्रोमोसोम पे है. तो ये क्या हो गया अनलिंक जीन्स हो गया. दोनों के बीच में लिंक नहीं है क्योंकि दे आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम. और रही बात सेम क्रोमोसोम पे होने के वजह बावजूद भी इसे हम नॉट लिंक क्यों बोलेंगे अनलिंक क्यों बोलेंगे. तो लिंक जीन्स में मैंने क्या बोला तुम्हें याद रखने के लिए कि उसके जो जीन्स होते हैं वो बहुत नज़दीक प्रेजेंट होते हैं. एंड रही बात अनलिंक जीन्स की तो ये दोनों जीन्स कैसे हैं बहुत दूर दूर प्रेजेंट है. दूर दूर प्रेजेंट होने की वजह से हमें पता है कि अपने मियोटिक डिवीजन जो होता है दैट इज़ मियोसिस वन में हमें पता है कि देर इज़ वन प्रोसेस नोन एज वॉट क्रॉसिंग ओवर राइट. सो ये क्रॉसिंग ओवर के वजह से ये क्या हो जाएंगे दोनों जीन्स जो बहुत दूर दूर प्रेजेंट है भले वो सेम क्रोमोसोम पे क्यों ना हो लेकिन वो क्या हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं. इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं अनलिंक. जबकि इसकी जब बात करें तो अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ भी तो भी ये क्या होगा एक साथ ट्रांसमिट हो सकता है. बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि ये ट्रांसमिट ना हो. अब देखो हम क्या करेंगे लिंक जीन्स और अनलिंक जीन्स को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे ठीक है. देखो अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना ये जो कंसेप्ट है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाला वो बहुत छोटे से पैराग्राफ में देके ख़त्म कर दिया. लेकिन इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है नहीं तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट नहीं समझेगा एंड प्लस इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं. तो तुम अगर इसके कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे. ओके अब देखो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं लिंक जीन्स को और अनलिंक जीन्स को. अब क्या बोला है लिंक्ड में कि जीन्स दैट आर इनहेरिटेड टुगेदर विच अदर जीन एज दे आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम. क्या बोला है कि जो भी जीन्स है वो एक साथ ट्रांसमिट हो जाएंगे दूसरे बाकी जीन्स के साथ. क्यों क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है. एंड यहाँ पे क्या बोला है अनलिंक जीन्स में कि जो भी जीन्स है दे आर प्रेजेंट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. तुम्हें पता है कि अगर ये एक क्रोमोसोम है तो एक जीन अगर यहाँ पे है तो दूसरा जीन यहाँ पे है तो भले वो एक क्रोमोसोम पे क्यों ना हो लेकिन जीन्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर.
linked genes will occur in same chromosome, but obvious linked genes जो है वो एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट रहेंगे एंड वो भी नज़दीक नज़दीक, एंड वही अनलिंक्ड जो है वो या तो सेम क्रोमोजोम पे होगा या तो अलग अलग क्रोमोजोम पे होगा, मतलब कि ए वाला यहाँ पे है तो ये बी वाला जीन ये दूसरे वाले क्रोमोजोम पे है। अब लिंक जीन्स में क्या बोला है कि डू नॉट अंडरगो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, सो ये लिंक जीन्स वाला जो है मोस्टली होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में नहीं जाता, लेकिन ऐसा जो चांस है इट इज़ वेरी रेयर, ठीक है, रेयरली ऐसे होता है कि ये जीन्स एक साथ जनरेशन आफ्टर जनरेशन साथ में चले जाते हैं, नहीं तो मोस्टली हमें पता है कि मियोटिक डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होगा तो जीन्स तो सेपरेट हो ही जाते हैं, राइट। सो देखो अनलिंक जीन्स में क्या होगा, इट विल अंडरगो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। अभी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, होमोलोगस मतलब कि होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन का मतलब भी होता है क्रॉसिंग ओवर, एंड क्रॉसिंग ओवर होने के वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, ओके। सो देखो लिंक जीन्स में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, अनलिंक जीन्स में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब क्रॉसिंग ओवर होगा। अभी क्रॉसिंग ओवर होगा तो बट ऑब्वियस जो जीन्स है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, जबकि लिंक जीन्स में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ही नहीं होगा तो ये सेपरेट होंगे कैसे, सो दे विल इनहेरिट टुगेदर एंड दिस हैव अ वेरी लेस चांस टू इनहेरिट टुगेदर बिकॉज इनके जो क्रोमोस जो जीन्स है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ओके। सो आई जस्ट होप कि तुम्हें याद हो कि ऐसे अगर ये एक होमोलोगस क्रोमोजोम है एंड ये एक होमोलोगस क्रोमोजोम है, अगर सपोज कि इसके पास ये एक जीन है एंड ये दूसरा जीन है, ओके बी, बहुत नज़दीक नज़दीक है, ओके, बट इनके बीच में अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ दोनों के दो क्रोमोजोम के बीच में, तो ये क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम ट्रांसमिट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर सपोज कि ये जो जीन होमोलोगस क्रोमोसोम है उसका एक जीन यहाँ पे एंड एक जीन यहाँ पे, मतलब बहुत सेपरेट है, एंड ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है जिसका स्मॉल ए यहाँ पे एंड स्मॉल बी यहाँ पे, सपोज इन दोनों के बीच में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो क्या होगा, इसका जो ए है और इसका ये स्मॉल ए है उनके बीच में एक्सचेंज हो गया, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी तो वहीं के वहीं रह गए, तो अब ये क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे कि इसके पास ये स्मॉल ए आ गया, कैपिटल बी यहीं पे है, इसके पास कैपिटल ए आ गया एंड इसके पास स्मॉल बी वही है, राइट। सो ऐसे ये क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ये जो जीन्स जो बहुत दूर दूर थे वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, राइट। एंड वही अगर जीन नज़दीक थे तो वो सेपरेट हुए क्या, नहीं हुए। अगर वही अगर हम साथ में होने वाले क्रोमोस जीन्स को वही अगर साथ में होने वाले जीन्स का भी अगर हम क्रॉसिंग ओवर देखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सपोज कि ये ऐसे क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये जो ए एंड बी जो है और ये ए एंड बी, ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, एक साथ ट्रांसमिट हो गए, राइट। तो इसके पास ये वाले क्रोमोसोम के पास स्मॉल ए स्मॉल बी आ गया एंड ये वाले क्रोमोसोम के पास कैपिटल ए कैपिटल बी आ गया, मतलब कि अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ भी तो ये जो जीन्स है जो लिंक थे एक साथ थे वो एक साथ क्या हो गए, ट्रांसमिट हो गए। सो बहुत रेयर चांसेस है कि ये साथ वाले जीन में रिकॉम्बिनेशन हो एंड वो सेपरेट हो जाए, नहीं तो मोस्टली क्रॉसिंग अगर दूर दूर जीन्स है तो उनका तो फिक्स है कि वो जीन सेपरेट हो ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो या क्या बोला है कि लिंक जीन्स जो है इट इज़ अ चांस ऑफ इनहेरिटिंग टुगेदर इज मोर देन 50%, मतलब कि इनहेरिट एक साथ हो जाए उसके जो चांस है वो 50% से ज़्यादा है। इसे क्यों बोला है, क्योंकि अगर ये पार्ट में अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ तो ये जीन्स भी सेपरेट हो सकते हैं, राइट, बट रेयर केस में, इसलिए बोला है कि 50% से ज़्यादा ही चांस है कि वो साथ में इनहेरिट हो जाए, जबकि इसकी बात करें तो इसका इनहेरिट एक साथ होने का चांसेस तो बट ओवर 50% से कम ही होगा। अभी लिंक्ड वाले जो भी जीन है वो क्या करते हैं, दे डू नॉट फॉलो मेंडल सेकेंड लॉ, मेंडल्स का जो भी सेकेंड लॉ था सेग्रीगेशन वाला या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, वो ये लिंक जीन्स फॉलो नहीं करते। लिंक जीन्स फॉलो नहीं करेंगे तो उनका जो डायहाइब्रिड रेशियो जो है वो हमें कैसा मिलता है, 3:1 जो मोनोहाइब्रिड रेशियो जैसा है, एंड टेस्ट क्रॉस का भी जो रेशियो है वो 1:1:1 होना चाहिए तो उसके जगह पे क्या आएगा, 1:1 ही है। एंड अनलिंक जीन्स जो है वो एक्चुअली मेंडल सेकेंड लॉ एक फॉलो करता है एंड उसका डायहाइब्रिड रेशियो सेम मेंडल जैसा आएगा, दैट इज़ 9:3:3:1, एंड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है वो भी मेंडल जैसा आएगा, दैट इज़ 1:1:1:1, मतलब कि अगर जीन साथ में है
तो वो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, एंड अगर दूर दूर है तो वो मेंडल के लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने जो भी कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे उसके जितने भी जीन्स थे राइट, जो भी कैरेक्टर्स के, वो सारे कैसे थे, फार अपार्ट। इसीलिए उसका सब में रेशियो ये मिला। उसको लिंक जीन्स के बारे में कुछ पता चला ही नहीं था, क्योंकि उसने जो भी कैरेक्टर सिलेक्ट किए उसमें जीन्स सेपरेटेड थे ना, लेकिन लिंक जीन्स वाले भी कैरेक्टर थे, लेकिन उसका उससे कॉम्बिनेशन ही नहीं लिया, कॉम्बिनेशन लिया नहीं, इसलिए उसको लिंक जीन्स के बारे में पता चला ही नहीं। गॉट इट? अब देखो ये तुम्हें और अच्छे से समझने के लिए लिंक जीन्स एंड अनलिंक जीन्स का, यू कैन सी लिंक जीन्स में हमने अभी देखा कि वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मोनोहाइब्रिड का रेशियो दे रहा है, तो क्यों? तब सपोज कि ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, हमने देखा कि सेम क्रोमोजोम पे दोनों जीन्स हैं, होमोलोगस है ना, तो सेम क्रोमोजोम पे दोनों जीन्स हैं, तो बट ऑब्वियस इनके जो गैमेट्स हैं वो भी क्या बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अभी ये डबल होगा भी तो भी उसके गैमेट्स तो वही रहने वाले, उसमें तो कोई चेंजेस आने वाले हैं नहीं, बिकॉज अगर जीन्स साथ में है लिंक्ड है तो उसको हम एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करेंगे। तो बट ऑब्वियस अगर इसका तुम क्रॉस करवाओगे मोनो हाइब्रिड के जैसे ही कंडीशन है तो बट ऑब्वियस यू विल गेट अ रेशियो एज वॉट 3:1। एंड वही अनलिंक जीन्स में देखोगे तो ये जो जितने भी जीन्स हैं वो सारे सारे के सारे कहाँ पे, अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं राइट, एंड अलग अलग क्रोमोसोम पे प्लस सब सेपरेटेड है, उसके वजह से यू कैन सी कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो दोनों के अगर हम गैमेट्स निकालेंगे तो यू विल गेट दिस फोर डिफरेंट गैमेट्स होने के वजह से यू विल गेट द रेशियो एज वॉट सेम लाइक अ मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज 9:3:3:1। गॉट इट? अब ये जो गैमेट्स जो बने हैं वो तो डिपेंड होते हैं, वो दे आर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंटली दे हैव फॉर्म देयर गैमेट्स। गॉट इट? टेल यू फाइन। अब हम देखते हैं और अच्छे से लिंक जीन्स को और अनलिंक जीन्स को समझने के लिए, तो लिंक जीन्स जो है द लोकाई आर वेरी क्लोज टुगेदर, मतलब कि जो जीन्स के जो लोकस है या जो साइट है जहाँ पे वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेंगे वो बहुत नज़दीक है राइट। सो यू कैन सी ये कैपिटल जी एंड कैपिटल ए दोनों बहुत नज़दीक है, सेम फॉर दिस होमोलोगस क्रोमोसोम, स्मॉल जी स्मॉल ए भी बहुत नज़दीक है। अगर इसके हमें गैमेट्स निकालने तो क्या निकलेगा, ये दोनों के लिए तो सेम ही निकलेगा, कैपिटल जी कैपिटल ए, इसके लिए भी सेम, स्मॉल जी स्मॉल ए। अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, बट ऑब्वियस मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो अगर इनका क्रॉसिंग ओवर हुआ तो भी क्या हो रहा है, जीन्स नज़दीक होने के वजह से ये सारा का सारा एक साथ ट्रांसमिट हो रहा है, यू कैन सी दैट राइट, कि एक साथ ये क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। तो ये ट्रांसमिट हुआ मतलब कि स्मॉल जी स्मॉल ए ये वाले क्रोमोसोम पे आ गया, कैपिटल जी कैपिटल ए ये वाले क्रोमोसोम पे, लेकिन दोनों जीन सेपरेट हुए क्या, नहीं, एक साथ ट्रांसमिट हो गए लेकिन दूसरे क्रोमोसोम पे, दे डिड अ जेनेटिक एक्सचेंज लेकिन एक साथ हो गया। अब तुम अगर इनके गैमेट्स निकालोगे तो भी तुम्हें क्या मिलेगा, देखो अगर इसके गैमेट्स निकालोगे तो इट विल बी व्हाट, कैपिटल जी कैपिटल ए एंड विल बी स्मॉल जी स्मॉल ए। ये क्रोमोसोम के निकालोगे तो भी इट विल बी व्हाट, कैपिटल जी कैपिटल ए स्मॉल जी स्मॉल ए। मतलब कि यहाँ पे जो भी गैमेट्स हैं अगर उसको एक सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर करें तो हमें पेरेंट के जैसे ही गैमेट्स मिल रहे हैं राइट। सो दिस इज व्हाट व्हाट लिंक जीन्स की जो भी इनहेरिट भी हो रहा है लेकिन फिर भी वो कैसे होगा, पेरेंट के जैसा। गॉट इट? अब हम देखते हैं अनलिंक जीन्स का, तो यू नो अनलिंक जीन्स में यू कैन सी ये जो जीन का जो लोकस है इट इज़ वेरी फार अपार्ट, कैपिटल जी यहाँ पे, कैपिटल ए यहाँ पे, स्मॉल जी यहाँ पे, स्मॉल ए यहाँ पे। अगर इनके गैमेट्स निकालेंगे तो बट ओवर स्टार्टिंग में तो इनका गैमेट्स भी कैपिटल जी कैपिटल ए ही रहेगा, इसका भी स्मॉल जी स्मॉल ए रहेगा, बस इतना डिफरेंस है कि जीन्स बहुत दूर है। लिंक्ड में हमने देखा कि जीन्स बहुत नज़दीक थे। रही बात अगर इनके बीच में भी क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये देखो नीचे के पार्ट में ही क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो स्मॉल ए ये वाले क्रोमोसोम पे आ गया एंड कैपिटल ए ये वाले क्रोमोसोम पे आ गया। अब जब ये नए गैमेट्स अगर हम निकालेंगे तो यू कैन सी ये वाले क्रोमोसोम का अगर गैमेट्स निकालेंगे तो इट विल बी वन विल बी कैपिटल जी कैपिटल ए एंड दूसरा विल बी कैपिटल जी स्मॉल ए। अरे ये वाला तो पेरेंट जैसा है लेकिन ये कुछ डिफरेंट आया। अभी इसका अगर निकालेंगे तो इट विल बी स्मॉल जी कैपिटल ए, तो ये भी पेरेंट से अलग है, पेरेंट का क्या था, स्मॉल जी स्मॉल ए। एंड अगर इसका निकालेंगे तो भी बहुत स्मॉल जी स्मॉल ए, तो दिस इज लाइक अ पेरेंट, मतलब ये और ये जो गैमेट है वो तो हमें पेरेंट के जैसे मिले, लेकिन जो दो कैपिटल जी स्मॉल ए एंड स्मॉल जी कैपिटल ए जो है वो पेरेंट से अलग है,
राइट मतलब कि अनलिंक जीन्स में रिकॉम्बिनेशन होता है और पेरेंट के कॉम्बिनेशन तो मिलते ही है लेकिन हमें साथ साथ नॉन पेरेंटल वाले भी मिलते हैं जो पेरेंट से मैच नहीं करते. तो जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो मिलते हैं ना उसी को हम क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. समझा उसी को हम क्या बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन. क्यों? क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से हमें मिला है ना ये कॉम्बिनेशन इससे क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन वो भी नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन. जो पेरेंट जैसे मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन. गॉट इट क्लियर. सो दिस वाज अबाउट द लिंक्ड एंड अनलिंक्ड जीन्स. ओके अब देखो लिंकेज जो है इसके दो टाइप्स होते हैं. एक होता है कंप्लीट लिंकेज एंड एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज. बट ऑब्वियस ये भी मॉर्गन ने दिया मॉर्गन ने ही इसके ऊपर काम किया था उसी ने ये टर्म को भी कॉइन किया था. तो लिंकेज के बारे में सब कुछ जो भी बताया वो मॉर्गन ने बताया एंड उसने बताया कि लिंकेज के दो टाइप्स भी होते हैं वन इज कंप्लीट लिंकेज एंड अनदर इज इनकम्प्लीट लिंकेज. नाम से ही समझ में आता है कि कंप्लीट मतलब एक साथ ट्रांसमिट होने वाला तो कंप्लीट होगा इनकम्प्लीट मतलब एक साथ ट्रांसमिट नहीं हुआ है जींस उसे हम क्या बोलेंगे इनकम्प्लीट. लिंकेज है मतलब कि जो जीन्स है वो तो नज़दीक ही है क्लोज ही है अनलिंक तो नहीं बोला है. तभी क्लोज जीन्स में ये कम्प्लीट या इनकम्प्लीट कैसे हो रहा है तो हम देख लेते हैं. अब देखो कम्प्लीट लिंकेज में क्या बोले हैं द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम डू नॉट सेपरेट एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर ओवर द जनरेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. अभी कम्प्लीट लिंकेज का जो चांस है दैट इज़ वेरी रेयर. अब क्यों ऐसे तो होने वाला नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर ना हो. क्रॉसिंग ओवर तो होता है लेकिन बिना क्रॉसिंग ओवर के ये जीन्स एक साथ अगर ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन तो मतलब कि सारे जीन्स एक साथ ट्रांसमिट हो गए तो उसे हम क्या बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज. ठीक है क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है. इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा जीन्स प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोजोम ये भी सेम क्रोमोजोम पे लेकिन दे हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. अभी ये सेपरेट हो गए क्यों बिकॉज ऑफ व्हाट क्रॉसिंग ओवर जिसके वजह से रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी मिली. रिकॉम्बिनेंट जो अभी हमने देखा क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो डिफरेंट प्रोजेनी मिल रही है ऑफरिंग मिल रहा है वो भी मिला प्लस पेरेंटल वाला भी मिला. कंप्लीट लिंकेज अलाउज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल ट्राइड्स टू बी इनहेरिटेड एज सच. कंप्लीट लिंकेज में होगा क्या होगा कि जो भी जीन्स है जो पेरेंट के थे वही सेम ऑफस्प्रिंग में भी गए तो उसे कंप्लीट लिंकेज बोला कि सेम पेरेंट जैसे ही ट्रेट्स मिलेंगे. नेक्स्ट क्या बोला कि ये रेयर है जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि दिस इज रेयर कंडीशन लेकिन फिर भी हमें मेल ड्रोसोफिला में ये कंडीशन दिखा था कि कंप्लीट पूरा का पूरा सेम ट्रांसमिट हो गया प्लस दूसरे जो हेट्रोगैमेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी ये दिखा है इसलिए हमने लिंकेज को दो पार्ट में डिवाइड किया. अभी आते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज में तो क्या बोला है कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअली इज यूजुअली लेस देन द नंबर एक्सपेक्टेड इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब प्रॉब्लम ये होता है कि लिंकेज जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो मेंडल का जो लॉ है या मेंडल का जो रेशियो है उसे वो फॉलो करने वाला नहीं है. तो भले उसको ये रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी क्यों ना मिले मिलती है मिलेगी लेकिन वो एक्सपेक्टेड रेशियो जो होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का दैट इज़ 9:3:3:1 उससे वो कम मिलेगा. समझा मतलब उसका जो रेशियो है वो फॉलो नहीं होगा. जो रिकॉम्बिनेंट जो मिल रहा है वो 9:3:3:1 के फॉर्मूला से मैच नहीं करता है मतलब एक्सपेक्टेड रेशियो से हमें रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल कम ही मिलने वाले हैं. गॉट इट. अब देखो क्या बोला इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑल द फोर टाइप्स दैट इज टू पेरेंटल टू रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आर ईच 25%. अभी हमें पता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो भी चार टाइप्स जो हमें मिलते हैं दैट इज दो पेरेंटल वाले और दो रिकॉम्बिनेंट वाले सब कैसे होते हैं ईच 25% के रेशियो से होते हैं. लेकिन वही अगर ये लिंकेज में अगर देखेंगे तो दो पेरेंटल के जो टाइप है वो 25% से ज़्यादा ही होंगे एंड जो रिकॉम्बिनेंट वाले टाइप है वो 25% से कम ही होंगे. गॉट इट. मतलब कि लिंकेज में अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन अगर देखना है तो हमेशा 25% से तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे एंड वही रिकॉम्बिनेंट वाला देखना है तो तुम्हें 25% से कम ही मिलेंगे. गॉट इट. सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज. आई जस्ट होप यू पीपल अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली द लिंकेज इज. लिंकेज में देखा कि उसके दो टाइप के जीन्स होते हैं एक लिंक जीन्स एंड एक अनलिंक जीन्स एंड उसके दो टाइप्स होते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. अब हम देखते हैं अबाउट दी रिकॉम्बिनेशन. सो रिकॉम्बिनेशन अभी जस्ट हमने देखा कि जो क्रॉसिंग ओवर है वही रिकॉम्बिनेशन है उसमें क्या होने वाला है जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है. तो ये तुम्हारे क्रोमोसोम्स है राइट टू कॉपीज है मियोटिक डिवीजन में गए जैसे बताया कि एक फादर से आया एक मदर से आया डुप्लीकेट हुआ
एंड अब इनका मियोटिक डिवीजन होगा तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा. क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से यू कैन सी द कलर चेंज. उन्होंने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया है, राइट. सो यू कैन सी दैट ऑकर्स व्हेन जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज बिटवीन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स और बिटवीन डिफरेंट रीजन्स विद इन द सेम क्रोमोसोम. Got it? So this is nothing but what? Recombination. So I just hope you understood about the linkage and recombination very nicely. And still if you have any query, let me know. Okay? अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या थी लिंकेज की. सो देखो, लिंकेज वॉज एक्चुअली फर्स्ट सजेस्टेड बाई सुटन एंड बोवरी. एंड सुटन एंड बोवरी ने बोला था कि ऐसा कुछ लिंकेज जैसा है, बट उन्होंने ये नाम नहीं दिया था. एंड उसी पे से दे गेव अ थियोरी, दैट इज क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. अब बेटसन एंड पुनेट आए, दे वर वर्किंग ऑन स्वीट पी, दैट इज लथेरस ओडोरेटस. एंड जब वो लोग ये स्वीट पी के ऊपर वर्क कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर रहे थे, आर नॉट शोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट. एंड उसी पे से दे आर्ग्यू दैट सिंस स्वीट पी हैज़ ओनली अ फ्यू पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, क्रोमोसोम मस्ट पजेस सेवरल फैक्टर्स विच शुड बी ट्रांसमिटेड टुगेदर. अब उन्होंने क्या बोला कि जब स्वीट पी अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखा रहा है, उसके जो थोड़े बहुत कैरेक्टर्स हैं या फैक्टर्स हैं, मतलब कि ऐसे कोई फैक्टर्स होंगे जो एक साथ है, दे आर इन अ ग्रुप एंड दे आर ट्रांसमिटेड टुगेदर. ओके, अभी उसको भी नहीं पता था कि दिस इज समथिंग नोन एज व्हाट, लिंकेज. लेकिन लिंकेज को समझाने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए, उसको टर्म लिंकेज देने के लिए कौन आया? मॉर्गन. एंड मॉर्गन ने उसे क्लियरली प्रूव किया, उसको डिफाइन किया, उसको टर्म दिया लिंकेज ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, दैट इज फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर. ठीक है, सो मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, उससे उसे पता चला कि देर इज समथिंग नोन एज लिंकेज. लिंकेज वही होता है कि जो क्रोमोसोम है उस पर जो जीन्स जो है उसका अरेंजमेंट कैसा है. अगर बहुत नज़दीक है तो वो लिंक जीन्स है, लेकिन अगर दूर दूर है तो दोज आर बहुत अनलिंक जीन्स. एंड अगर नज़दीक है तो मतलब कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन बट ऑब्वियस तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे एंड रिकॉम्बिनेंट वाले कम मिलेंगे. लेकिन अगर दूर दूर है तो पेरेंटल भी कम मिलेंगे एंड रिकॉम्बिनेंट थोड़े ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है, तो ये उसने कैसे प्रूव किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर पे, कि उसने लिंकेज के बारे में हमें समझाया, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को, कि उसने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को कैसे प्रूव किया. ठीक है, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू आर फ्री टू आस्क, विल एक्सप्लेन यू अगेन. टिल दैट थैंक यू.